मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा है उसको क्लिक कर दीजिए। इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। गाइज, इस समय बज रहा है 8:30 और आज की तारीख है 25। गाइज, मैं इस समय जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच मुझे दोनों बनाना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड टिफिन लेकर जाते हैं और वो दिन में आते नहीं हैं लंच करने के लिए। तो मैं इस समय लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बनाऊँगी। बटर मशरूम की सब्ज़ी में जो है ना, ये मशरूम है, इसको गुनगुने पानी से वॉश कर लिया, ये देख सकते हैं भाप निकल रहा है। और ये जो है ना मटर है, और जो है ना ये टमाटर मिर्च की जो है ना मैंने पीस लिया हुआ है, और ये प्याज लहसुन 6-7 के करीब में, और ये जो है ना अदरक है, मैं इनका भी जो है ना प्यूरे बना लूँगी। और 4-5 कलियाँ हैं, इसको इसके अंदर डाल दूँगी। ये जीरा डाल दूंगी। ये लहसुन पक गया है तो इसके अंदर मैं प्याज लहसुन और अदरक की ये जो प्यूरी है इसको डाल दूंगी इसके अंदर। ये लहसुन पक गया है, इसमें थोड़ी सी मैं जो है ना हल्दी डालूंगी। और इसको अच्छी तरीके से पका लूँ। तो प्याज मेरा पक गया है, इसमें देखो आई भी छोड़ दिया है, तो अब इसके अंदर टमाटर का प्यूरी डालूंगी। ये टमाटर के प्यूरे हैं जो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें टमाटर और मिर्च मैंने मिलाया है और इसको प्यूरी बनाया है। तो अब मैं इसके अंदर इसको ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर और मसाले ऐड करूँगी, जैसे चिली पाउडर। मैंने इसमें चिली हरी चिली मिला दी थी पहले से, तो इस कहीं मैं लाल चिली डालूंगी पाउडर में। धनिया पाउडर डालूंगी, 1.5 चम्मच के बराबर धनिया पाउडर है। नमक ऐड करूंगी अपने स्वाद के अनुसार। इस मसाले को भी इस टमाटर प्यूरे के साथ भून दिया जाएगा। गाइस, आप देख सकते हो कि इसमें जो है ना ऑयल छोड़ दिया है मसाले में। तो अब मैं इसमें मटर मशरूम मिक्स करूंगी। और मशरूम मटर भी जो है ना पानी छोड़ चुका है, तो मैंने इसे 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था पकने के लिए, तो ये पक गया है। अब मैं इसमें जो है ना गरम मसाला ऐड करूँगी, इतना 1/2 चम्मच के करीब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से पहले इसमें मिला देती हूँ।
उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला जो है ना मतलब सब्जी चाहिए, तो क्योंकि ये मेरे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के लिए है, तो इसमें थोड़ा सा मैं ग्रेवी के लिए पानी मिलाऊँगी। तो ये मैंने इतनी सी ग्रेवी बना ली है, तो ये मेरी सब्जी बन गई है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालूँगी, आज का हमारा ब्रेकफास्ट। अब मैं इसे जो है ना, ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है और इसको मैं उनको देने जा रही हूँ। गाइज अब मैं अपने घर का थोड़ा सा काम निपटा लूँ, क्योंकि अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है और टाइम हो रहा है 10:30, 11:15। तो मैं अब धीरे धीरे अपना काम निपटाऊँगी, क्योंकि मैं अपना काम तभी निपटाती हूँ जब मेरे हस्बैंड शॉप के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके रहते हुए कोई काम हो नहीं पाता। और मुझे मॉर्निंग में मतलब 8 बजे से उठती हूँ, 8:30, 7:30, 8 बजे तक मैं उठती हूँ। उसके बाद मैं जो है ना अपना मतलब कि फेस वॉश करती हूँ, और जो डेली रूटीन होता है मॉर्निंग का वो सब निपटा करके बच जाता है 8:30। और उसके बाद जा कर के मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो चुका, ब्रेकफास्ट हो चुका और लंच मैंने उन जो है ना मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके मैंने उनको दे दिया, वो जा चुके हैं। तो गाइज जो है ना, अब मैं अपने घर का काम निपटाऊँगी, जो भी मेरा डेली रूटीन होता है घर की साफ़ सफाई करने का, और जो भी मेरे किचन में बर्तन होते हैं वो सब निपटाएँगे। तो गाइज इसमें ही अपना सारा काम को छोड़ करके, तो मैं अब आ करके ही शावर भी लूँगी और जो थोड़ा बहुत काम बचा है उसको भी निपटाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी शॉप। मुझे ऐसे ही मतलब मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाना पड़ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरा शॉप है, तो मुझे अपने शॉप में भी जाना पड़ता है, कोई ना कोई काम आ जाता है तो वहाँ जाना पड़ जाता है। तो मैं वहाँ जा कर के आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये गेट का लॉक है जो मेरे सुबह हस्बैंड ने गेट खोला था, तो लॉक मैंने कहा था ऐसे ही सीढ़ी पर रख दो, मैं अभी आ करके जो है ना उठा लूँगी। शाम को मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए, तो वही गाइस मैं सोच रही हूँ कि अब चाय बना लेते हैं, और फिर डिनर बनाने का टाइम भी हो गया है, डिनर भी बना लेते हैं। और गाइस मैं जब गई थी तो मैं बज रहा था 12:01 बज रहा था, और मैं उसके बाद 4 बजे लौट के आई, क्योंकि एक जो है ना मैंने बताया था एक डीलर आया है जिससे जो है ना कुछ प्रोडक्ट लेकर आया था, उसको जो है ना लेना था अपने शॉप के लिए, तो वही सब देखना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो है ना प्रोडक्ट लें कि ना लें शॉप के लिए। तो मैं इसलिए गई थी कि चीज़ें पसंद भी करनी थी और उसको जो है ना देखनी भी थी, तो इसलिए मैं गई थी। और पूरे 3 घंटे लग गए थे वहाँ पे जो है ना उसके साथ मीटिंग में, और उसके बाद हम उसको ऑर्डर लिखवाया, ऑर्डर लिखवाने के बाद वो चला गया, तो उसके बाद मैं घर आई हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है ना अपनी शॉप में एक नया काम करने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ लिया जाए क्या चीज़ ना लिया जाए, तो इसी वजह से मैं शॉप गई थी बताने के लिए, क्योंकि मुझे मतलब कि मैं औरत हूँ, मतलब एक वुमेन हूँ, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो इसलिए मैं गई थी वो सामान को पसंद करने के लिए और शॉप के ऑर्डर देने के लिए। तो मैं गई और 3 घंटे के बाद मैं वापस आ गई ऑर्डर दे करके।
ही चाय बनाने हैं, तब से मैं कह रही थी, बीच में किसी का फोन आ गया था, उससे बात करने लगी थी। तो इस समय तो 7:30 बजने वाला है और मैं अभी तक चाय नहीं पी हूँ। मैंने चाय चढ़ा दी है और चाय बना रही हूँ, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। लेकिन जो है ना, उससे पहले फोन आ गया तो बातें करने लगे, फिर जो है ना बातें करते करते फिर मेरे नीचे दीदी आ गई हैं जो चली गई थी। तो दीदी अब आ गई हैं तो उनसे हम बातें कर रहे थे, तो मतलब उसी से वजह से टाइम निकल गया। फिर उसके बाद फिर अब टाइम मिला तो अब जाना है चाय बनाने। और गाइस जो है ना, चाय बना करके फिर मैं डिनर की तैयारी करूंगी, क्योंकि डिनर मैं 8 बजे तक चढ़ा देती हूँ, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे हस्बैंड आते हैं शॉप से। तो उसके बाद ही हम लोग जो है ना 9:30 बजे तक ही डिनर करते हैं। 9 बजे से 9:30 बजे से पहले हमारा डिनर नहीं होता है, उससे पहले मैं फ्री रहती हूँ कि मैंने खाना वाना बना देती हूँ, बिल्कुल डिनर तैयार कर देती हूँ, उसके बाद फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद या तो मोबाइल में जो है ना फेसबुक व्हाट्सएप चलाती रहूँगी। जा रही हूँ डिनर बनाने, और डिनर के लिए मैंने सोचा है कि अरहर की दाल ही बनाते हैं, तुअर दाल। और फिर उसके साथ ही मैं जो है ना, साथ के साथ मैं करेले को उबलने के लिए रख दूंगी, क्योंकि करेले को मैंने जैसे बताया था कि रात को मैंने छील के उसमें नमक हल्दी मिला करके रख दिया था और वो ओवरनाइट रखा रहा है। तो उससे क्या होता है कि उस करेले का जो जो कड़वापन होता है वो अच्छी तरीके से निकल जाता है, या कम कह सकते हैं, कम हो जाता है। करेला तो कभी अपना कड़वापन नहीं छोड़ेगा, जितना वो कड़वा होता है उससे वो हल्का हो जाता है, अगर तो लाइट कड़वापन रहता है। तो इसलिए मैं रात को ही उसमें हल्दी और नमक, मैं नॉर्मली हल्दी मिला दूंगी, अरहर की दाल में हल्दी और नमक डाल करके रख दूंगी उबलने के लिए, क्योंकि हल्दी और नमक डाल के दाल उबाल लेंगे। उसके बाद इसमें जो है ना टमाटर लहसुन और मिर्च और प्याज से छौंका लगा के, करेला जो मैंने हल्दी और नमक डाल करके रात को रख दिया था, अब इसको मैं पानी में उबाल लूंगी। भगोने में पानी चढ़ा दिया, उसके अंदर ये डाल दूंगी और इसे 15 से 20 मिनट तक मैं उबाल लूंगी। प्याज काट लिए बड़े बड़े, और ये लहसुन है 6 कलियाँ, और ये थोड़ा सा अदरक है। अदरक अगर आपका मतलब खाने मतलब डालने का मन है तो डालिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। और ये सबको मैं अब पीसने जा रही हूँ। मैंने प्याज और लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डालूंगी, और उसके बाद ये भरवा मसाला है जो मैंने घर में खुद पीसा है, ये भरवा मसाला है, इसमें मैं 2 चम्मच के बराबर इसमें भरवा मसाला डालूंगी। और इसके कड़वेपन को ख़त्म करने के लिए मैं आमचूर पाउडर डालूंगी, इसमें मैं जो है ना नमक डालूंगी अपने स्वाद के अनुसार, नमक इसमें डाल दूंगी, और इस सारे मसालों को मैं अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दूंगी। ये करेला है, अब इस करेले में मैं जो है ना, इसका बीजा मैंने सारा निकाल दिया था, क्योंकि बीजा मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा विशेष, अब मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं करेले के बीजे निकाल देती हूँ। फिर इसको ऐसे ही भर दूंगी, पानी जो मसाले बच गया था तो पानी इसके द्वारा इसके अंदर डाल देंगे। इससे करेला भी बहुत अच्छी तरीके से, अगर जो पक्का भी होगा पक जाएगा, और मसाला भी अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो गाइस ये मैंने इसके अंदर करेला डाल दिया है, और करेले को मैं तब तक भूनूंगी जब करेला बिल्कुल भून भी जाएगा, मतलब क्या हल्का सा ब्लैक कलर का हो जाएगा, तब तक मैं भूनूंगी। हल्का सा ब्राउनिश कलर का करेला हो जाएगा भून करके, तब ये मेरा करेला का भरवा बनेगा। करेले की सब्जी बन गई है, ये देखिए करेले की सब्जी। और गाय करेले की सब्जी, पहले मैं जब शादी से पहले मुझे बनाना तो करेले की सब्जी आती थी, पर वहाँ के स्टाइल से मतलब मैके के स्टाइल से जैसे मेरी मम्मी बनाती थी, पर ये करेला मैंने उस स्टाइल से बनाया जैसे मेरी सास बनाती थी। और इस टाइप से बनाने से करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, मतलब हल्की हो जाती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आज मुझे करेले की सब्जी बना करके अपनी सास की बड़ी याद आ गई। मेरी सास अभी 6-7 महीने पहले ही एक्सपायर हुई, उनको कैंसर हो गया था, तो आज मुझे इनकी याद आ गई। इस तरीके से करेले की सब्जी उन्होंने ही मुझे बनाना सिखाया था, पिछले 2-3 2 साल पहले ही मुझे बनाना सिखाया था।
जब मैं बना रही थी तो उनकी बड़ी याद आ गई कि उन्होंने ही मुझे ये करेले की सब्जी बनाना सिखाया था। पहले मैं बनाना जानती थी कि मैं मेरी मम्मी जिस तरीके से बनाती थी कि मेरी मम्मी जैसे काट के नमक और हल्दी लगा के रख देती थी, पर उसको बॉयल नहीं करती थी, ऐसे ही कच्चे में ही भर करके छौंक के बनाती थी, वो धीमी धीमी गैस में। पर उबाल के बनाने में करेले की सब्जी जल्दी बनती है और उसकी कड़वाहट भी कम हो जाती है। तो जो है ना, इस सब्जी को बनाने पर मुझे अपनी सास की बहुत याद आ गई कि मेरी सास ने ही मुझे बनाना सिखाया था इस टाइप। कुकर में राइस चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी मतलब घी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्या होता है कि राइस आपका चिपकता नहीं है और खिला खिला बनता है। तो इसमें थोड़ी सी मैंने घी मिला दिया है। अब मैं इसको बंद करके ये है मेरा आज का डिनर, रोटी चावल दाल और ये करेले की भरवा सब्जी और सैलेड, ये मेरी प्लेट है। और ये मेरे हस्बैंड की भरवा करेला बहुत टेस्टी बना था मेरी सास के स्टाइल का। तो गाइस जो है ना, अब मैं अपने ड्रेस को चेंज करूँगी, मतलब नाइट ड्रेस पहनूँगी और फेस को वॉश कर लूँगी। और बस जो यही था मेरा आज का ब्लॉग। और गाइस अगर पसंद आता है तो आई होप आपको पसंद ही आया होगा, तो प्लीज़ जो है ना मेरे ब्लॉग पर एक जो है ना लाइक का दे दीजिए, मतलब कि लाइक बटन पे एक उंगली चिपका दीजिए। और मेरे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।